तो आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं, बड़ी जानकारी आ रही है उस वक्त की, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो आपको बता दें कि सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका, इस वक्त का बड़ा अपडेट, सूरत सेशन कोर्ट से राहुल को राहत नहीं मिली है। तो आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल की अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है, यानी कि राहुल गांधी को फिलहाल राहत नहीं। तो आपको बता दें कि सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से राहुल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, मोदी सरनेम का जो केस था उसको लेकर यह बड़ा झटका लगा है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि राहुल गांधी को यह बड़ा झटका, दरअसल जो अर्जी यहां पर दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। मोदी सरनेम केस में राहुल की अर्जी खारिज हो चुकी है, इस वक्त की बड़ी खबर। सूरत सेशन कोर्ट से राहुल को फिलहाल राहत नहीं मिल पा रही है। तो बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल की अर्जी जो दाखिल की गई थी उसको खारिज किया गया है, बड़ा अपडेट है इस वक्त की, बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। तो मोदी सरनेम केस में राहुल की अर्जी खारिज कर दी गई है। तो बता दें कि सूरत सेशन कोर्ट से फिलहाल राहुल को अभी राहत नहीं मिली है, जो अर्जी यहां पर दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। मोदी सरनेम केस को लेकर यह अर्जी दाखिल की गई थी। तो इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि इस मामले में अभी राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी केस में राहुल को 2 साल की सजा भी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि सूरत सेशन कोर्ट से राहुल को राहत नहीं मिली है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का,